नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल ने गुरुवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में पांचवें वार्षिक भारत श्री पुरस्कार 2024 का आयोजन किया। यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों के 14 लोगों को दिया गया। उनमें हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चेयरमैन अनुराग बख्शी, IRS सेवानिवृत्त हरियाणा सरकार और अभिनेता आशुतोष राणा भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम ने समाज के प्रति व्यक्तियों और संगठनों के अनुकरणीय योगदान को पहचानने और सम्मानित करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। NHWC के संस्थापक गुंजन मेहता ने अपने भाषण में सभी उपस्थित लोगों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देने में ऐसी सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि NHWC में हमें सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई की शक्ति में विश्वास करते हैं। भारत श्री पुरस्कार 21वीं सदी में हमारे राष्ट्र की भलाई के लिए समर्पित व्यक्तियों के असाधारण प्रयासों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। वहीं अनुराग बख्शी ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा कि सच्ची सेवा हमारे राष्ट्र के कल्याण को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास में निहित है। इस पुरस्कार ने मुझे और अधिक जिम्मेदार बना दिया है और मैं समाज की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का वादा करता हूँ। इस वर्ष के भारत श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए सेवा और नेतृत्व की भावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 2018 में हमने भारत श्री अवार्ड सम्मान की शुरुआत की थी और उस समय पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे करम आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब थे। आज इसकी पंचम वर्षगांठ है, 5th annual function है हमारा और हम हर साल इसमें 12 से 13 महानुभावों को भारत श्री सम्मान से सम्मानित करते हैं। सेवा के लिए आपको पर्टिकुलर किसी खास क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी कार्य क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना सर्वस्व दे रहा है, अपना 100% योगदान दे रहा है, ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके कार्यों की सराहना की जाए और उन्हें भारत श्री सम्मान से सम्मानित किया जाए ताकि वो आने वाले समय में और भी आगे बढ़े, उनके मन में भी और प्रेरणा जागृत हो और आगे बढ़ने की। बस अप्रिसिएशन हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमारी जैसी संस्थाएं उनको सम्मानित करती हैं। बस उसी प्रयास में हमारी संस्था नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल भी जुटी है। तो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का एक ही उद्देश्य है कि हमें बिना किसी जाति भेदभाव के सभी को साथ लेकर के राष्ट्र निर्माण में अपना 100% योगदान देना है। मिल का पत्थर साबित होगा, बहुत ही अच्छा काम कर रहा। हर क्षेत्र से चुने हुए जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मान देना ये नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का शुरू से उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य की पूर्ति को इंजन मेहता द्वारा किया जा रहा है। भारत के निर्माण में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान बन रहा है। एक मन की समुद्र सेतु में गिलहरी के पत्थर के समान तो इनका काम चल ही रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको स्वस्थ रखे और इनके विचारों को किसी प्रकार से उत्तम बनाए रखें। जो अनसंग हीरो हैं जिन्हें रिकग्निशन नहीं मिलती है, जिन्हें कोई नहीं पहचानता है, तो गुंजन भाई या हमारे इस भारत गौरव श्रृंखला के थ्रू हम उन लोगों को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनको किया और आगे भी उसको करेंगे, वही उद्देश्य है। आपके चैनल के माध्यम से सभी को जिसने यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग लिया उन सबको साधुवाद और गुंजन भाई को उसके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मुझे यहाँ पर आज बुलाया, मुझे सम्मानित किया, जो भी मैं सोशल कॉज सोसाइटी में कर रहा हूँ, चाहे वो मैं पिछले 30 साल से चौकी जागरण कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट माई प्रोफेशन, इट इज़ माई पैशन। सो उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उससे उसी से आंखों के किसी मेडिकल हेल्प और गरीब लड़कियों की शादियाँ। कल ही हम लोगों ने 11 लड़कियों का जो है पूरा विधिवत। इनमें संदेश के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।